नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। लेकिन कुछ लोग हैं वो शायद गम बुलाने की इस दवा से भी नाराज हैं। उनका कहना है गम भुलाने की ये जो दवा है, ये जो दारू है, ये गम को बढ़ाती है, इसलिए इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और नशाबंदी को लेकर अलग जगाने वाले राजस्थान में और इसको लेकर आमरण अनशन तक करने वाले गुरशरण छाबड़ा। छाबड़ा जी नमस्कार। छाबड़ा जी फिर कह रहे हैं कि फिर एक बार वापस आप मैदान में उतर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति या किसी संस्था से कतई नाराज नहीं हूँ। हमारे जीवन का एक मिशन है कि राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान बने, भ्रष्टाचार मुक्त बने, और इसलिए सन 2014 में जब मैंने अनशन किया था वसुंधरा जी सरकार के द्वारा, अभी जो हाँ जी एक साल पहले, उसमें हमारी प्रमुख मांग थी तो एक तो राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी कानून बनाए जी, जैसा जनता पार्टी के राज में हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया था, या जैसा कानून गुजरात के अंदर आज भी काम कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग थी कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सशक्त और प्रभावशाली लोकायुक्त कानून बने। यद्यपि राजस्थान में लंबे अरसे से लोकायुक्त कानून है, लेकिन वो लोकायुक्त कानून प्रभावशाली नहीं है। लोकायुक्त को कोई विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग रहा। तो आप तो राजस्थान के अन्ना हजारे बन गए। अन्ना हजारे भी लगातार इसी तरह से मुद्दे को लेके, लेकिन बड़ी बात यह है कि छाबड़ा जी आप क्यों नहीं समझते कि राजस्थान की वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब है और अब उसमें और टोटा करना चाहते हैं, इतना राजस्व मिलता है और फिर आपको दिक्कत क्या है? कोई अगर मान लो शराब पीता है तो अपनी जेब से पीता है, कोई सरकार का थोड़ी ना खर्च होता है उसमें। पहली बात तो आज राजस्थान एक गरीब प्रदेश नहीं है, पर राजस्थान सरकार कह रही है छाबड़ा जी कि माली हालत बहुत ख़राब है, अर्थव्यवस्था राजस्थान की सरकार की डगमगाई हुई है, योजनाओं के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बार बार कह रही है, केंद्र सरकार से भी मुख्यमंत्री ने कई बार रिक्वेस्ट भी की है कुछ तो रिलीज़ करो, कुछ तो रिलीज़ करो, और आप तो ये जो शराब के मार्फत कुछ रिलीज़ करते हैं पैसे, उस पर भी आप नहीं टोटा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था हम गुजरात मॉडल लाएंगे। गुजरात मॉडल का अभिप्राय क्या है कि हिंदुस्तान में आज गुजरात एक वास्तव में मॉडल स्टेट है, जहां 1956 से लेकर आज तक संपूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। वहाँ गुजरात में एक रुपये की भी शराब से राजस्व इनकम गुजरात सरकार को नहीं आती। उसके बावजूद भी जब आप कह रहे हैं गुजरात एक मॉडल स्टेट है, यदि गुजरात विकास कर सकती है बिना रेवेन्यू इनकम के, बिना शराब की आमदनी के, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती? यदि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दे तो मेरा दावा है कि राजस्थान के अंदर शराब या अन्य किसी भी अवैध कारोबार को जारी रखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पर छाबड़ा जी, आप जैसे बता रहे हैं 1977 में भैरव सिंह जी की सरकार ने आप जैसे लोगों के दबाव में आकर शराबबंदी भी कर दी थी, उसका क्या खामियाजाना हुआ? अवैध शराब के केंद्र संचालित होने लगे, शराब का अवैध कारोबार शुरू हो गया और यहाँ तक कि शराब माफिया क्रिएट हो गए। आपको लगता नहीं है कि दोबारा ऐसा होगा? खुल के पीने दो ना जिनको, क्या दिक्कत है? छुपे छुपे पीते हैं, गुजरात में भी छुप छुप के पीने वाले जो है वो बड़ा तंत्र खड़ा हो गया है, राजस्थान में क्यों नहीं खुल के पीने देना चाहते आप? आपने जो बात कही है ये बात तथ्यों के विपरीत है। सच्चाई ये है कि आज खुलेआम जो शराब का कारोबार सरकार कर रही है, गांधी जी ने कहा था जब तक राज यानी सरकार जनता को शराब पीने की कानूनी इजाजत के साथ ही हर प्रकार की शराब पीने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराता रहेगा, तब तक समाज सुधारकों को, संतों और महापुरुषों को लाभ नहीं होगा, उनके उपदेशों का कोई लाभ नहीं होगा। जब सभी महापुरुष ये कहते हैं सभी अपराधों की जननी है, तो सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती? गांधी जी के नाम पे कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया, गांधी के नाम पे राज किया और गांधी के आदर्शों की हत्या की,
कांग्रेस ने। इसी प्रकार से स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राज करने वाली, एकात्म मानववाद के नाम पर राज करने वाली, मानवतावाद के नाम के ऊपर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी भी आज स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का उठता है, आप कह रहे हैं कि जो पीना चाहते हैं उनको पीने दे, एक व्यक्ति शराब पी के खुद अपना नुकसान करता है, परिवार को बर्बाद करता है, शराब भी शराब पी के अपने मासूम बेबी और बच्चों पे जुल्म और अत्याचार करता है, वृद्ध माता पिता पे जुल्म और अत्याचार करता है। दिल्ली के अंदर जो दामनी कांड हुआ था, दामनी कांड के सभी अभियुक्त शराब के नशे में धुत थे, इसलिए इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। पर छाबड़ा जी, बात इसी प्रकार से, आप गंगानगर से हैं, आप तो जानते ही हैं कि अगर ठेके वाली शराब नहीं मिलती है तो हथकड़ शराब तुम्हें खूब मिल जाती है। पता है कि अगर ठेके का धंधा अगर सरकार बंद कर देगी तो हथकड़ शराब का धंधा किस तरह से पनप जाएगा, क्योंकि वहाँ किस तरह से भट्टियाँ बना दी जाती हैं खूब, आप तो जानते हैं क्योंकि आप तो उस इलाके के हैं। क्या ये संभव है कि सरकार के डंडे के जोर पे किसी को शराब पीना बंद करना? अगर एक SP भ्रष्ट होता है, थानों से मंथली लेता है, तो उसके यहाँ समस्त प्रकार के जो अवैध, चाहे वो शराब का कारोबार हो, चाहे वो सट्टा हो या जुआ, वो सब कारोबार चलते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार न केवल शराब के कारोबार में व्यस्त है, बल्कि ये भ्रष्टाचार में भी आकंठ डूबी हुई है। ये मौजूदा सरकार और अधिकांश सरकारें आज के इस युग के अंदर वो शराब माफिया, भू माफिया, माइंस माफिया और हर प्रकार के अपराधियों के साथ साठगांठ करके ही सत्ता के अंदर पहुँचती है। पर छाबड़ा जी, एक बड़ा उदाहरण है कि पिछली सरकार गांधीवादी अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर देंगे। होता यह है कि अभी भी 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अशोक जी थे जब, और जब सत्ता बदल गई तब भी वो शटर गिर जाता है, शटर के पीछे की खिड़की से जो शराब की जो रेट बढ़ जाती है और 8 बजे के बाद ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, भीड़ के भीड़ और झुंड के झुंड हो जाते हैं। देखने में आया कि शराब के ऊपर किसी भी तरह, इस तरह की चीज़ों के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी जो है वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। ये आपकी गलतफहमी है। आप पूरे गुजरात में जाइए, आपको पूरे गुजरात में मार्केट में एक भी शराब की दुकान खुलेआम नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन राजस्थान में स्थिति इसके विपरीत है। अगर कानूनन वहाँ शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वहाँ भी चोरी छिपे शराब उपलब्ध होती है, पर अपराध नहीं होते कम से, लेकिन अपराधों पर अंकुश है। गुजरात में आज भी रात को 1:30-2 बजे कोई भी महिला अकेली रिक्शे पर बैठ के घर जा सकती है, और राजस्थान में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको चुनौती दे के कहता हूँ कि रात को अगर 2 बजे अगर अकेली भेष बदल के और रेलवे स्टेशन से अपने घर आ जाएं और सुरक्षित आ जाएं, तो मैं इस बात के लिए आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। पर छाबड़ा जी, बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं आजकल की, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, टेंशन की ज़िंदगी है, तो टेंशन फ्री होने के लिए तो कोई ना कोई तरीका तो चाहिए। अब एक शराब एक ऐसा जरिया है जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, सब कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में है, तो थोड़ा सा अपना गम गफलत करने के लिए कुछ ना कुछ तो पिए। और आपको पता है कि इन दिनों गम कुछ ज़्यादा ही है समाज में, और गफलत करने के लिए कुछ ज़्यादा लोग पी लेते हैं और उसकी सुविधा हो जाती है। तो क्या आपको क्या दिक्कत आती है? कोई अपना गम घर में बैठ के और एक आध दो पैग में अगर ख़त्म कर देता है तो उसमें आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? आप जिस गम बुलाने की बात कर रहे हो, ये गम बुलाने का जरिया नहीं है, ये लोगों को कि मौत का पैगाम बन रहा है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि शराब पीने से हार्ट के, कैंसर के, लीवर के और ये क्या नाम रहे, सांस की तकलीफें इतनी बढ़ रही हैं कि लीवर के एक ट्रीटमेंट के लिए 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्चा आता है। पर छाबड़ा जी, आज इतने रोग बढ़ रहे हैं इसके लिए कारण को, पर छाबड़ा जी जितने भी बड़े बड़े ये लोग हैं इन सब की पार्टियों में बिना दारू के तो होती ही नहीं है। अगर ये इतने गुणी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी पार्टियों में क्यों नहीं दारू को निषेध कर देते? ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार उनका साथ दे रही है। यही लोग थे जब जनता पार्टी की सरकार थी, हमने राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी कानून बना दिया, यही लोग थे, एक के भी हिम्मत नहीं थी शराब पी के इस टाइप से करे। आज आप रोज हर रोज समाचार पत्रों में आते हैं, विद्यालयों में, कभी विद्यालय में टीचर शराब पी रहे हैं, अदालतों में शराब पी रहे हैं, विधानसभा के अंदर शराब पार्टी करते हुए लोग पकड़े गए। अभी कल ही आपने एक समाचार पढ़ा कि छोटे छोटे बच्चे
और कोल्ड ड्रिंक के अंदर शराब लेकर सारे के सारी क्लास ने वो शराब पी जोधपुर में। जयपुर के अंदर जितने दूध के बूथ नहीं है, डेयरी के बूथ नहीं है, उससे ज्यादा शराब की दुकानें खुलेआम चल रही हैं। इससे बढ़कर शर्मनाक और स्थिति क्या हो सकती है? सबसे पहले चैरिटी बिगन एट होम। अगर आप सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा, सरकार जगह जगह हर शराब के ठेके पे लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए और अर्थ के दृष्टि हानिकारक है, अगर वास्तव में हानिकारक है तो आप उसको बंद क्यों नहीं करते? वास्तव में शराब सभी अपराधों की जननी है, आप इस पर रोक क्यों नहीं लगाते? पर छाबड़ा जी, लोग ये कहते हैं कि आपकी शराब व्यापारियों से यानी शराब के ठेकेदारों से कोई विशेष अदावत है, तभी आप इसको लेके चल रहे हैं, नहीं तो शायद आपने जानकारी पूरी तरह प्राप्त नहीं की। मैंने इसमें लिखा है, गांधी जी ने तो कहा था मुझे अगर एक घंटे का टाइम मिले तो मैं बिना मुआवजा दिए इन सब तमाम शराब के कारखाने और उनकी दुकानें बंद कर दूंगा, ठेके बंद कर दूंगा। और जो लोग कानूनन प्रतिबंध होने के बावजूद भी जो लोग शराब माफिया काम करें उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे, और मैं तो उनकी डायरेक्ट हिट लिस्ट में हूँ शराब माफियाओं की, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि आप शराब माफियाओं की हिट लिस्ट में। मैंने कहा जिसका जन्म हुआ है जन्म के साथ ही मृत्यु का प्रावधान हो जाता है। मृत्यु कब आएगी, मृत्यु किस जगह पे आएगी, मृत्यु का कारण क्या होगा, कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, अगर मेरी मृत्यु का कॉज ऑफ शराब माफिया, भू माफिया और अपराधियों के खिलाफ लड़ते हुए लिखा है तो मैं ऐसी मृत्यु का स्वागत करता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। आप प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे लगता है आप इस कलयुग में सदियों की बातें करते हैं। कैसी बातें, ऐसे कैसे होगा? कलयुग तो कलयुग की तरह से चलेगा। कलयुग में आप कहेंगे कि सोमरस नहीं हो, डिमांड क्या लगता नहीं है कि ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं है? मेरी जो डिमांड है वो बिल्कुल लॉजिकल है, वो प्रैक्टिकल है। जो लोग, जो पार्टी राम राज्य की बात कहती थी, क्या राम राज्य के अंदर इस प्रकार के हालात थे? क्या राम राज्य के अंदर शराब और शराब माफिया और भू माफियाओं का इस प्रकार के सरकार के ऊपर नियंत्रण था? दंड व्यवस्था और राज सत्ता की आवश्यकता है, इसलिए यह मान के चलते हैं कि समाज के अंदर अपराध होंगे, लेकिन अपराधों को रोकने के लिए तो सरकार बनी है, न कि अपराध करने के लिए। मुझे अफसोस है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत से चलती है सरकारें। बहुमत आज आपके साथ नहीं है, बहुमत शराब वालों के साथ है, इसलिए सरकार तो बहुमत के साथ जाएगी ना। मैं चुनौती देता हूँ सरकार को, सरकार लोकतंत्र में ही और जनमत संग्रह का प्रावधान होना चाहिए और जनमत संग्रह करा ले। यदि राजस्थान के अंदर जनमत संग्रह में जनमत यदि एक बहुमत से यह कह दे कि राजस्थान में शराब का कारोबार चलना चाहिए, मैं राजस्थान छोड़ के इनके ऐसे ऐसी हुकूमत के शासन को छोड़ के मैं दूसरी जगह चला दूंगा। यही तो हिपोक्रेसी है छाबड़ा जी, यही हिपोक्रेसी है। लोग आपके सब जब आते हैं और खुले में जब उनसे पूछा जाता है, अरे ठीक ठीक नहीं है शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन अंधेरा होते ही मैं खानों के चक्कर लगाते हैं वो लोग। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Thank you.